हेलो फ्रेंड्स, प्रिया फूड लैब में आपका स्वागत है। जब भी हमारे घर पार्टी हो, हम सोचते हैं एपेटाइजर में बाइट साइज एंड यूनिक क्या बनाए। तो इसके लिए आज मैं लेके आई हूँ पिनव्हील सैंडविच, जो बनाने में एकदम इजी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिनव्हील सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम 2 चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल गरम होने पे डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, 2 कटी हुई हरी मिर्च, 4 से 5 करी लीव्स एंड साथ ही डाल देंगे एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए तो हम इसमें ऐड कर देते हैं 1/4 टीस्पून हल्दी। प्याज को हल्दी के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड कर देंगे आलू। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को बॉईल करके मैश कर लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को एकदम स्लो करके इसमें मसाले डाल देते हैं, जिससे मसाले जलेंगे नहीं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 चम्मच शक्कर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट इसे डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है एंड इतनी सी शक्कर डालने से हमारा मसाला स्वीट नहीं हो जाएगा। ये बस हम बाकी मसाले के टेस्ट को बैलेंस करने के लिए डाल रहे हैं। स्वाद अनुसार नमक एंड 1/2 चम्मच अनारदाना पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास है तो इसे जरूर यूज कीजिए। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे एंड सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड आलू भी साथ साथ में तोड़ते जाएंगे, जिससे आलू का कोई भी बड़ा पीस इसमें ना रहे। दो से तीन मिनट हो गई है तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे एंड इसमें ऐड कर देते थोड़ा सा नींबू का रस। बस अब नींबू के रस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो हो गई हमारी स्टफिंग रेडी। अब हम एक ब्रेड लेंगे एंड इसकी साइड्स को ऐसे कट कर लेंगे। अब हम इस ब्रेड को बेल कर पतला करेंगे। इसी तरह बाकी की ब्रेड्स को भी कट करके बेल लेते हैं। अब हम सैंडविच बनाते हैं। तो इस ब्रेड पर पहले हम लगाएंगे ग्रीन चटनी। आप चाहे तो टोमेटो केचप या फिर कोई और चटनी का भी यूज कर सकते हो। ग्रीन चटनी अच्छे से स्प्रेड हो गई है। अब हम इस पे आलू की लेयर लगाएंगे। इसे हम ऐसे एकदम पतला पतला स्प्रेड करेंगे। दूसरे ब्रेड स्लाइस को इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम टोमेटो केचप। अब इन्हें रोल करना है तो रोल करने के लिए फॉइल का यूज करेंगे। फॉइल की हेल्प से इस तरह इसे रोल करना है। ध्यान रहे, हमें फॉइल को ब्रेड के साथ रोल नहीं करना है। अब इस तरीके से रोल को हम फॉइल के साथ सब साइड से सील कर देंगे। अब हम इस रोल को 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। 10 मिनट हो गई है तो आइए अब इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ब्रेड ने अच्छे से रोल का शेप ले लिया है, ये अपने आप खुल नहीं रहा। अब हमें इसे कट करना है। यहाँ पे मैंने 1-1 सेंटीमीटर जितनी साइज में कट कर लिए है। ये देखिए, यहाँ पे हमारे रोल रेडी है। अब हम इसे सेकना है। सेकने के लिए एक पैन या तवे पे ऑयल या बटर लगाएंगे एंड दोनों साइड से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, हमारे पिनव्हील सैंडविच यहाँ पे रेडी है। इसे हम ग्रीन चटनी या टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्द ही नई रेसिपी के साथ।